ये देखो कुछ कार्ड्स के सैंपल्स रहे हैं शहरोज, उसको वफा को भी दिखा दो, इसमें से जौन सा पसंद आता है फिर मुझे बता दो, मैं फिर उसका ऑर्डर दे देता हूँ। और रही बात खाने की, तो उसके बारे में तुम लोग फिक्र मत करना, मैं और संभल हैंडल कर लेंगे हम। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, वफा बच्चे कल आएगा, वो इवेंट प्लानर वाला, उससे मीटिंग है, तो प्लीज जो अरेंजमेंट करवानी है वो फाइनल करवा लो उसके साथ कल बैठ के। डैड, कल मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, आप खुद देख लें। अरे मैं और संभल क्या क्या देखेंगे बेटे, कर लेगी, जब उसकी शादी होगी मैं कर लूंगी सारे काम उसके लिए। डोंट वरी अंकल, आई एम जस्ट सुमिल की शादी होगी तो आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ कि बड़ा लकी होगा वो जो इससे शादी करेगा। सीरियसली, शी इज अ गुड कैट। पर बाहर कोई अनवर साहब आए हैं बाजी से मिलने। तेरी बुला लो उन्हें। नहीं, मैं बाहर मिल लेती हूँ उससे। चलो देख लो बेटे। मैं बस, हाँ अच्छा, वो मैंने आपको कुछ सजेशंस ईमेल की थी गेस्ट लिस्ट की। वालेकुम सलाम। वो मुझे असद भाई ने भेजा था कि मैं आपको बुला कर ले आऊँ, तो कह रहे थे बात करनी है आपसे, बल्कि बहुत ही ज़रूरी बात है। इस वक्त बहुत रात हो गई है, कल देखें। अब वो कह रहे थे कि अगर आप इस तरह की कोई बात कहें तो मैं जवाब दूँ कि कुछ पता नहीं है, कल वो ना हो क्या सुनते हाल हो कल। आपको जाहिर है ये बात हो इसे शायद नहीं लगे, लेकिन उनका मकसद यही था कि बस आप फौरन उनसे मिलने आ जाए और मेरे साथ चले। अभी इसी वक्त समझे, अर्जेंट है, मतलब इमरजेंसी है, यही कहा था उन्होंने कहने के लिए। तुम रुको, मैं आ गई। ऐसे मुझे लग रहा था कि हमें आगे जाके फायदा हो जाएगा अगर उनको भी बुला लेते। चलो गिव मी लिटिल टाइम, लेट मी थिंक अबाउट। जी बेटा। डैड, वो अनवर को ड्रॉप करके मैं वापस आ रही हूँ। अरे बेटा ये तो कोई वक्त नहीं जाने का, अभी तो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे। किसी ड्राइवर से कहो कि उसको छोड़ा। नहीं डैड, मैं खुद जाना चाह रही हूँ, आप लोग बात करें ना। मैं चलता हूँ साथ। कम ऑन, आई एम नॉट अ किड, आप लोग बात करें, डिस्कस करें, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। तो देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। सॉरी, आई थिंक वी शुड गो टुगेदर, लेट्स गो। हाँ हाँ अच्छी बात है, गो गो, श्योर, लेट्स गो। तुम जाओ मेला, मैं यहाँ वेट करता हूँ। जाओ। अनवर मिले यार, कुछ अपने लिए भी लेनी और असद के लिए भी। तो चल। क्यों बुलाया? वो आतिक क्यों नहीं? क्या काम? कई काम है,
तो अपने दोस्तों से कहो ना, हमाद, नवीन, क्यों खफा है? शिवाद, रहे खफा। उनका नहीं पता, लेकिन तुम क्यों खफा? मैं किसी से खफा क्यों होंगी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वक्त नहीं है मेरे पास फालतू का, बहुत बिजी होती। सही बात, जैसे फालतू इंसान से मिलने का टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। पता है हमाद क्या कहता है? कहता है कि तुम जैसी अमीरजादियों के दिल का कुछ पता ही नहीं, एक दिन कहाँ है एक दिन कहाँ है। वैसे भी मुझ जैसे एक माजूर लूजर से अब क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? अब मैं इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा, ऐसे करीब टूटा हुआ क्लर्क का बेटा। सही कहता है, बिल्कुल ठीक। तुम अब पहले जैसे नहीं, वो वाला असद कोई और था, उसका फ्यूचर बहुत रोशन था, और तुम्हारा चूर चूर, फ्यूचर भी जख्मी है तुम्हारी तरह। और मैं किसी हैंडीकैप को अपने गले का तौ क्यों बनाऊंगी? तुम तो बहुत एम्बिशियस थी, हमेशा यही कहते थे कि हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, शादी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, वरना इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत का क्या फायदा? सो हियर आई एम, कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही हूँ, खूब पैसे कमा रही हूँ, फ्यूचर बना रही हूँ। और अगले हफ्ते शरोज से शादी भी कर रही हूँ। कैसा, कर लिया ना फ्यूचर सिक्योर? होना स्मार्ट। शहरोज बाहर वेट कर रहा होगा, अच्छा नहीं लगता उसको इतना वेट करवाना। ऐसे तो इन गली मोहल्लों में उसकी गाड़ी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने माइंड नहीं किया, ले आया। अच्छा इंसान है ना, चलती हूँ। बाय। तू साथ रहे या ना रहे, मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं